रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्लास टेंथ के बारे में लास्ट बारी हमने बायो का एक चैप्टर उठाया था रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, और इसी के साथ हम आज इस वीडियो लेक्चर में बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर उठाने वाले हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसकी बेसिक टर्म्स का पता होना जरूरी है। इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं, बुनियादी जो टर्म्स हैं, जो आगे इसी चैप्टर में काम आएगी, उनको हम पहले ही पढ़ते हैं ताकि फिर आगे इस चैप्टर में हमें किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम पहले हम देखते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी को हम सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम कुछ टर्म्स को यहां पे शाया करते हैं। तो बेटे याद रखिए हेरिडिटी क्या होता है। देखिए आपने सुना है या आपने ये चीज खुद नोट्स किया होगा कि कोई बच्चा होता है और आप उस बच्चे को तशबीह करते हैं उसके मां बाप के। मेरा मतलब है अगर कोई बच्चा मां बाप ने जना, फिर आप उस बच्चे को बोलते हैं, या आपने सुना होगा कोई उस बच्चे से बोल रहा होता है, ए बेटे आप में जो शक्ल सूरत है वह आपके पापा जैसी मिलती है, आपकी आंखें आपकी मामा जैसी मिलती हैं, आपके बाल बिल्कुल आपके पापा जैसे हैं, आपके कान आपकी मामा जैसी हैं, आपकी आईज का कलर बराबर आपके पापा जैसे हैं। तो बेटे मैंने कुछ एग्जांपल्स को यहां पे आपके सामने रखा, तो ये चीजें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, सुनते हुए देख यानी कि आपने खुद नोट्स किया होगा। देखिए असल में दर हकीकत होता है ऐसे कि मां बाप के जो कैरेक्टर होते हैं, उनके जो ट्रेट्स होते हैं, उनकी जो खसलत होती है, वो बच्चों में ट्रांसफर होती है। इसीलिए हम बच्चों से बोलते हैं बेटे आप में कैरेक्टर आपके मां बाप जैसे आए। हालांकि मैं यहां पे एक टर्म को बताना चाहता हूं कैरेक्टर, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार इस टॉपिक में बताया, तो हम पहले इसी को खत्म कर देते हैं। कैरेक्टर, देखिए बेटे कैरेक्टर क्या होता है। चाहे हम कैरेक्टर बोलेंगे या ट्रेट बोलेंगे, कैरेक्टर एंड ट्रेट एक ही बात है। देखिए कैरेक्टर क्या होता है। मेरे पास बाल है, ये मेरा कैरेक्टर है। किसी बंदे के पास बाल नहीं होते हैं, वो उसका कैरेक्टर होता है। मैं ब्लैक कलर का हूं, ये मेरा कैरेक्टर है। कोई बंदा व्हाइट कलर का होता है, वो उसका कैरेक्टर होता है। मैं यानी कि साइज में छोटा हूं, ये मेरा कैरेक्टर है। कोई लंबा होता है, वो उसका कैरेक्टर होता है। मेरा ईयर लोब जो है, ईयर के नीचे जो लोब होता है, आप कुछ बंदों में ये देखोगे कि उनका ईयर लोब फ्री होता है, ठीक है ना, जैसे मेरा है। तो ईयर लोब का फ्री होना ये कैरेक्टर है। ईयर लोब का अटैच्ड होना, ये जो जब चिपका होता है इसके साथ थ्रोट के साथ, ईयर लोब का अटैच्ड होना ये एक कैरेक्टर है। फ्री होना भी कैरेक्टर, बंद होना भी कैरेक्टर। बालों का कलर, कुछ पर्सन का हेयर जो है वो व्हाइट कलर का होता है, वो उसका कैरेक्टर है, और मेरा ब्लैक है, ये मेरा कैरेक्टर है। इसका मतलब कैरेक्टर जो है वो एक बंदे में विजिबल होता है। कोई लंबा है कैरेक्टर है, कोई छोटा है कैरेक्टर है, कोई ब्लैक कलर नीग्रो है वो कैरेक्टर है, कोई व्हाइट है नीग्रो है, यानी कि जो कोई छोटा है वो भी कैरेक्टर, कोई लंबा है वो भी कैरेक्टर, यानी कि किसी में बाल व्हाइट कलर के हैं कैरेक्टर। ये चीजें जो है बेटे इन्हीं को हम कैरेक्टर्स बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम बच्चों में बोलते हैं ए बेटे आप में कैरेक्टर्स आपके बाप जैसे आए हैं, ए बेटे आप में कैरेक्टर्स आपकी मां जैसी आई है। तो कैरेक्टर्स को तशबीह देना मां बाप से, हालांकि मुझे भी कोई कहता है आपकी जो आवाज है आपके पापा जैसी है, आपके जो बाल है आपके बाबा जैसे हैं। इसका मतलब है बेटे कि कैरेक्टर जो है वो मां बाप से आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बेटे याद रखिए जो जब मां बाप से कैरेक्टर आते हैं ना बच्चों में, कैरेक्टर मैंने आपसे बताया क्या होता है, जब मां बाप के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं हेरिडिटी। मां बाप के कैरेक्टर बच्चों में आना, इस चीज को हम हेरिडिटी बोलते हैं, याद रखिए बेटे। हां
लास्ट ईयर मुझे क्लास में क्वेश्चन किया गया था, सर मेरी जो हाइट है, मेरी माँ भी छोटी है, मेरे यानी कि किसी बच्चे ने बोला था सर मेरी माँ भी छोटी है, मेरे बाबा भी छोटे हैं और मैं लंबा हूं, ये क्या रीजन है? मैंने बोला दादाजी क्या वो बोले लंबे हैं? मैंने बोला तो दादाजी को भी पेरेंट्स बोलते हैं बेटे, इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि खाली पेरेंट्स हम नहीं बताते हैं, जो यानी कि माँ और बाप होते हैं उन्हीं को हम पेरेंट्स नहीं बताते हैं, नहीं, दादा और दादी वो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रेट ग्रेट फादर, ग्रेट ग्रेट मदर, उनके भी पेरेंट्स जो है वो भी हमारे पेरेंट्स हैं। इसका मतलब है जरूर नहीं अपने माँ बाप के नहीं, बल्कि माँ बाप के जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? तो पेरेंट्स के कैरेक्टर जब बच्चों में आते हैं तो इस चीज को, इस फेनोमेनन को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्लियर हो गया? देखिए बेटे, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फेनोमेनन होता है जिसमें माँ बाप के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं। क्लियर? चले आगे जाते हैं। देखिए, कभी जब कोई बच्चा बीमार होता है या कोई पर्सन बीमार होता है, जब वो हॉस्पिटल आता है तो सबसे पहले हम उसे ये बात वहां पूछते हैं पेशेंट से, क्या आपके खानदान में किसी को बीमारी थी, यानी कि क्या आपकी हेरिडिटी में ही थी, क्या आपके पेरेंट्स में बीमारी थी जो आपको लगी है? वो बोलता है कभी हाँ, कभी बोलते, कोई पेशेंट बोलता है नहीं है। इसका मतलब कि बीमारियां जो है ये किसी में बीमारी है वो उसका कैरेक्टर है, वो भी ट्रांसफर होती है, ठीक है? तो बहरहाल हम आगे देखेंगे। इसका मतलब है, हेरिडिटी का मतलब होता है जब माँ बाप के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं। तो डॉक्टर हॉस्पिटल में क्यों पूछता है क्या आपके पेरेंट्स में बीमारी तो नहीं थी? इसका मतलब है डॉक्टर को पता है कि माँ बाप से कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, ठीक है ना? तो यहां पर वाजिया ये चीज हो गई कि माँ बाप के कैरेक्टर किसमें आते हैं, बच्चों में। इसलिए कोई बच्चा ऐसे दिखता है उसकी शक्ल सूरत बराबर अपने पापा जैसे होते हैं, इसका मतलब है मां बाप के कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, ठीक है? तो हेरिडिटी का मतलब जब मां बाप के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, इस तरह मैंने को हम हेरिडिटी बोलते हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है जो एक्सप्रेशन होता है, जो बाहर से जो एक्सप्रेशन होता है बंदे का, उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है? याद रखिए बेटे, आपको पता है इस हेरिडिटी के बारे में पढ़ने को, मां बाप के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, मां बाप के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। बट हेरिडिटी के बारे में पढ़ना, ये कैसे होता है कि मां बाप के कैरेक्टर बच्चों में आएंगे, दादा के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, ये कैसे पॉसिबल है बेटे? इसी के बारे में पढ़ना, मां बाप के कैरेक्टर कैसे बच्चों में आते हैं, इसके बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं जेनेटिक्स, GENETICS, जेनेटिक्स। सर नहीं आया समझ? नहीं आया ना समझ? सुनिए, आपने सुना है फिजिक्स, फिजिक्स एक बुक होती है जिसमें हम पढ़ते हैं मशीनरी के बारे में। केमिस्ट्री सुना है, केमिस्ट्री एक बुक होती है जिसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी सुना है, बायोलॉजी एक बुक होती है जिसमें हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। अरे जेनेटिक्स भी एक बुक होती है। अरे बेटो, जेनेटिक्स भी एक बुक होती है जिसमें हम पढ़ते हैं हेरिडिटी के बारे में, कि मां बाप के कैरेक्टर कैसे बच्चों में आते हैं, उसके बारे में पढ़ने को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर? तो मसला क्या था बेटे, याद रखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, एक बार एंट्रेंस में पूछा गया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है बेटे वो है सर ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल भी बोल सकते हैं, ग्रीगर जॉन मेंडल, बड़े प्यारे हैं मेरे साइंटिस्ट ये, ठीक है ना? इनसे बड़ा प्यार करता हूं। ग्रीगर जॉन मेंडल, बेटे याद रखिए, ग्रीगर जॉन मेंडल जो है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स यही है। मां बाप के कैरेक्टर कैसे बच्चों में आते हैं उसके बारे में पढ़ना, वो जो किताब है उसका फादर ये है, ग्रीगर जॉन मेंडल। इसका मतलब है ग्रीगर जॉन मेंडल को एजाज दिया गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स। बेटे याद रखिए, एक ऐसा पर्सन है, इसलिए मैं इससे बहुत प्यार करता हूं इस पर्सन के साथ, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में बहुत कुर्बानी दी है। एक ऐसा पर्सन है, आपको पता है इसको कब एजाज दिया गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स? जब ये इस दुनिया से चल बसे थे उसके बाद इसको एजाज दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। दुनिया को बाद में समझ आई कौन सा कलाकार था, ठीक है? तो बहरहाल जेनेटिक्स जो है बेटे, इसके फादर ग्रीगर जॉन मेंडल है, बट जेनेटिक्स की टर्म दी थी उसका नाम था विलियम बेटसन। क्या नाम था? विलियम बेटसन, विलियम बेटसन, BATESON, बेटसन, 1906 में।
1906 में विलियम बेटसन ने जेनेटिक्स की टर्म दी। बेटे याद रखिए, ये विलियम बेटसन इंग्लिश बॉटनिस्ट था, ठीक है, इंग्लिश बॉटनिस्ट था विलियम बेटसन, इसी ने जेनेटिक्स की टर्म दी। तब तक हम जेनेटिक्स नहीं बोलते थे, सबसे पहले इसी ने यूज किए टर्म, ठीक है ना। अब देखिए बेटे, थोड़ा आगे चलते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक हेरिडिटी क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर का दूसरा नाम है ट्रेट, ठीक है ना। अब देखिए और जेनेटिक्स क्या होता है, देखिए यहां पर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं, हेरिडिटी को ही हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, मां बाप के कैरेक्टर बच्चों में आना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी को हम बोल सकते हैं इनहेरिटेंस, मां बाप के कैरेक्टर बच्चों में आना, इसको हम इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, हेरिडिटी भी बोल सकते हैं। तो हेरिडिटी का दूसरा नाम है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है ना बेटे, क्या है, इनहेरिटेंस। चलिए आगे जाते हैं थोड़ा सा। देखिए कैरेक्टर के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, कैरेक्टर होता है जो यानी कि एक्सप्रेशन एक बंदे का होता है, हेयर कलर, आंखों का कलर, शक्लो सूरत, लंबा है छोटा है, ईयर लोब कैसा है, ये कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर दो किस्म के होते हैं बेटे, दो किस्म के कैरेक्टर होते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, ACQUIRED, एक्वायर्ड कैरेक्टर, और दूसरा होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर, इनहेरिटेड कैरेक्टर। देखिए एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर के बारे में क्या फर्क है, तो बेटे सबसे पहले मैं आपको इनहेरिटेड कैरेक्टर समझाता हूं। इनहेरिटेड कैरेक्टर का मतलब होता है ये वो कैरेक्टर होता है जो मां बाप से आता है। अगर बेटे मेरे बाल मेरे बाप जैसे हैं, इसका मतलब है ये जो कैरेक्टर मेरे पास है ना, बाल का जो बाल की जो बाल का जो कलर है, असल में मेरे पापा में है, तो वो कलर मेरी बॉडी में भी आ गया, इसका मतलब मेरी बॉडी में एक कैरेक्टर है। बड़े कैरेक्टर मैंने कहां से हासिल किया, अपने पापा से। जब मां या बाप से कैरेक्टर आता है बच्चों में, उस वाले कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर, ये इनहेरिट होता है, इसलिए हेरिटेज का दूसरा नाम इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब जब मां बाप के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, बट अगर जो कैरेक्टर मां बाप से बच्चों में आएगा उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर, कि ये वो कैरेक्टर होता है जो मां बाप से बच्चों में आता है, ठीक है, ये वो कैरेक्टर होता है जो मां बाप से बच्चों में आता है, ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर। और एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है ये वो कैरेक्टर होता है जो मां बाप से नहीं आता है, बच्चा खुद डेवलप करता है आफ्टर बर्थ, जो कैरेक्टर आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, देखिए एक बच्चा है, उसके मां बाप में हेयर का कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है, और बच्चा दुनिया में आया उसका भी हेयर का कलर क्या था, ब्लैक था, तो कौन सा कैरेक्टर है हेयर का कलर, ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है क्योंकि मां बाप से आया। बट दुनिया में आने के बाद ये बच्चा क्या करता है, ये नाई के पास जाता है, नई दिश दपान, क्या बोलते हैं नाई से, कि मेरा मेरे जो बाल है ये मन कर शाल मासा ही हुई, मीन्स के ये जो क्या बोलते हैं जो कुत्ते की दुम होती है ना, वो उसका कलर क्या होता है, बस ये बच्चा बोलता है नाई से कि मेरे तो बाल वैसे ही बनाओ, यानी कि वो ब्राउन कलर के बनाओ। हालांकि ये जो ब्राउन कलर के बाल है ये कैरेक्टर इसको कहां से आया, कि मां बाप से आया, इसने खुद डेवलप किया, दुनिया में आने के बाद डेवलप किया ना। तो जब एक ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर अपनी बॉडी में लाता है तब दुनिया में आने के बाद, ऐसे कैरेक्टर को हम एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखिए बेटे मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एक बंदे जो है एक बंदा जो है उसमें स्किन का कलर जो है बेटे व्हाइट है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसके मां बाप में कलर जो है वो व्हाइट था स्किन का, और बंदा जब दुनिया में आया उसके स्किन का कलर जो है वो व्हाइट है, तो एक्वायर्ड इनहेरिटेड कैरेक्टर है। बट हम क्या करते हैं, कोई बंदा जाता है ब्यूटी पार्लर पे या कहीं और जाता है, तो वहां पे क्या करता है, स्किन को डी कलराइज कराता है, वो ब्राउन कलर की बनाता है या ब्लैक कलर की बनाता है। हालांकि इसमें जो कैरेक्टर अब आया ना, वो कौन सा कैरेक्टर है, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, क्योंकि इसको दुनिया में आने के बाद ये ब्लैक कलर मिल गया। हालांकि ब्लैक कलर इसके मां बाप से नहीं आया, बल्कि इसने दुनिया में आने के बाद ये डेवलप कराया अपनी बॉडी में। ऐसा कैरेक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म दुनिया में आने के बाद डेवलप कराता है, ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म इस लेक्चर की बेटे वो है वेरिएशन, ठीक है ना,
वेरिएशन। आपको पता है वेरिएशन क्या होता है? देखिए, वेरिएशन का मतलब होता है फर्क, डिफरेंस, ठीक है ना। डायवर्सिटी क्या मतलब? देखिए बेटे, अगर फॉर एग्जांपल हम दो बंदों को लाएंगे, मैंने बाहर से रोड से किसी बंदे को लाया और यहां पे खड़ा किया और मैं भी यहां हूं, हालांकि दोनों एक ही स्पीशीज के हैं। स्पीशीज का मतलब एक ही क्या है, नस्ल के हैं, ठीक है। हालांकि वो छोटा है, मैं लंबा हूं, ठीक है ना। हाइट उसमें भी है, मुझ में भी हाइट है, बट उसकी हाइट छोटी है, मेरी हाइट लंबी है। ये जो दो ऑर्गेनिज्म उसको आपस में जो फर्क होती है ना, डिफरेंस होती है ना कैरेक्टर्स में, इस डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स इज नोन एज वेरिएशन। वेरिएशन होता है जब दो ऑर्गेनिजम्स को आपस में कैरेक्टर्स पे फर्क होती है, उस चीज को वेरिएशन बोलते हैं। कोई बंदा, उसमें बाल जो है वो पिंक कलर के हैं फॉर एग्जांपल, या ब्राउन कलर के हैं, नेचुरली ब्राउन कलर के हैं, ठीक है। तो मेरे बाल जो है वो ब्लैक है, ये जो बाल जो है इसमें जो डिफरेंस है ये क्या है, इस चीज को हम वेरिएशन बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपसे देता हूं। देखिए बेटे, कोई बंदा ऐसे होता है उसमें वो कैट आइस होती है, ठीक है ना, यानी कि वो ब्लू आइस होती है, ठीक है। हालांकि मेरी आंखें जो है वो ब्लैक है, उसकी आंखों और मेरी आंखों में फर्क है आपस में, इस फर्क को हम बोलते हैं वेरिएशन। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ टूडेज टॉपिक। आई वॉन्ट टू सी यू इन नेक्स्ट।